नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली रोजगार पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पंजीकृत होने वाली प्रत्येक माताओं व बहनाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते होंगे लाडली बहना आवास योजना की आवेदन प्रक्रिया का समापन फाइनली 5 अक्टूबर 2023 को किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया समापन होने के पश्चात इस योजना के अंतर्गत काफी सारे दिन बीत चुके हैं, जिसके पश्चात सभी माताएं व बहनें अब इस योजना का पैसा डलने का इंतजार कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, इस योजना के अंतर्गत जनपद पंचायत स्तर पर यानी कि आपके ग्राम के सचिव व ग्राम रोजगार सहायक महोदय के द्वारा सभी महिलाओं के नाम को दर्ज करने का कार्य आधिकारिक पोर्टल पर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, आधिकारिक पोर्टल पर आपकी इस प्रकार से सूची रिलीज की जा चुकी है, जो कि यदि आपका नाम भी इस सूची में होगा तो अब आप सभी के लिए इस प्रकार से आधार स्टेटस को चेक करना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, आधार स्टेटस यह बताता है कि आपका आवेदन फार्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का यदि पैसा डलेगा तो आपके खाते में आएगा या फिर नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी चेक करने की स्टेप बाय स्टेप जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई है। इसीलिए आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो पर बिना स्किप करे अंत तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप भी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का आधार स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि पहली किस्त का पैसा आपके खातों में डलेगा या फिर नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार से गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के पश्चात अब आप सभी के लिए यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट को सर्च करना है, जिसका नाम है rhrepovertyng.nic.in। इस प्रकार से आधिकारिक वेबसाइट को सर्च करने के पश्चात आपके सामने इस प्रकार का एक नया इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, अब आप सभी के लिए यहाँ पर कई सारे विकल्प देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपको इस स्केच होल्डर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप सभी स्केच होल्डर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से लिस्ट ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आपको सबसे ऊपर शो हो रहे IA/PMA/G बेनिफिशियरी इस वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक कर देंगे तो कुछ ही देर के पश्चात आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आप सभी के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन आप सभी के लिए यहां पर नीचे शो हो रहे एडवांस सर्च वाले विकल्प पर आ जाना है। जैसे आप एडवांस सर्च वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर के पश्चात आपके सामने इस प्रकार का एक और नया इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर आप सभी के लिए इन सभी जानकारियों को दर्ज करना है। पहले आपको यहां पर स्टेट दर्ज करना है, उसके पश्चात डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक, फिर पंचायत, फिर स्कीम और यहां पर फाइनेंशियल सभी जानकारियों को दर्ज करते हुए आपको सिंपली इस सर्च वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हम एक एक करके इन सभी जानकारियों को कैसे दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आपको यहाँ पर स्टेट में मध्य प्रदेश का सिलेक्शन करना है, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी हो आपको उस पर क्लिक कर देना है, ब्लॉक में आपका जो भी ब्लॉक आता हो आपको उसका सिलेक्शन करना है, उसके पश्चात आपको अपनी पंचायत का नाम दर्ज करना है। यहाँ पर स्कीम में आपको ध्यान देना है, आपको स्कीम पर मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना वाले विकल्प पर ही क्लिक करना है, वरना आपकी सूची ओपन नहीं होगी। उसके पश्चात आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर वाले विकल्प में 2023-24 वाले विकल्प पर क्लिक करना है, जो कि यह विकल्प आपको सबसे नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। इन सभी जानकारियों को दर्ज करने के पश्चात अब आपको यहाँ पर नीचे सो रहे सर्च वाले विकल्प पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप सर्च वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर के पश्चात आपके सामने इस प्रकार से सूची ओपन हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जनपद पंचायत स्तर पर आपके नाम आधिकारिक पोर्टल पर दर्ज कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी आईडी, यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ पर आपका फादर या फिर हस्बैंड का नाम और यहाँ पर बीपीएल नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, सिंपली आपका जो भी नाम है आपको उसके सामने शो हो रही इस बेनिफिशियरी आईडी को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए सिंपली आपको इस पर टैप करे रहना है। जैसे ही आप टैप करेंगे आपके सामने इस प्रकार से विकल्प ओपन हो जाएंगे, जहां पर आपको कॉपी लिंक इन टेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप इसको कॉपी कर लेंगे, अब आपको फिर से यहां पर ऊपर आ जाना है और यहां पर स्केच होल्डर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। स्केच होल्डर वाले विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आपको फिर से पहले वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से वही पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आप सभी के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर में इस आईडी को दर्ज कर देना है, जो आईडी आपने कॉपी की हुई थी। आप सभी देख सकते होंगे हमने यहां पर इस आईडी को यहां पर दर्ज कर दिया। सिंपली अब आपको यहां पर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से सभी जानकारी आपके सामने ओपन हो जाएंगी, जहां पर आप सभी के लिए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत का नेम, आपका विलेज का नेम, आपको सभी जानकारी देखने के लिए मिल जाएंगे। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको बेनिफिशियरी नेम भी देखने के लिए मिल जाएगा। आप सभी इस बेनिफिशियरी आईडी को कॉपी भी करके रख सकते हैं, क्योंकि यह भविष्य में आपके काम आएगी। दोस्तों, उसके पश्चात आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी,
जहाँ पर आप सभी सभी जानकारियों को देख सकते होंगे। दोस्तों अगर इस प्रकार की जानकारी आपके यहाँ पर शो हो रही है तो आपका फार्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, आपका नाम सफलतापूर्वक आधिकारिक पोर्टल पर दर्ज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, उसके पश्चात आपको यहाँ पर बैंक की डिटेल की जानकारी देखनी है, जहाँ पर आप सभी के लिए आधार स्टेटस में यहाँ पर इस प्रकार की जानकारी लिखी देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर इस प्रकार की जानकारी आपके यहाँ पर लिखी हुई है तो आपका पैसा भी जल्द ही आपके बैंक खाते में डाल दिया जाएगा। आप सभी के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही इसका पैसा डाल दिया जाएगा तो उसके पश्चात आपका यहाँ पर बैंक का नेम, अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, IFSC कोड सभी जानकारी शो होने लगेंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको आधार स्टेटस चेक करना है। अगर इस प्रकार से आधार स्टेटस आपका शो हो रहा है तो सफलतापूर्वक आपके खातों में मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना की पहली किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। आप सभी के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।